जिन दोस्तों हम जा रहे हैं बिसलपुर धाम। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो आप देखते रहिए ब्लॉग को। अभी हम केकड़ी मार्केट होके बस स्टैंड होके निकल रहे हैं और ये कोटा रोड वाला रोड है, पुराने कोटा रोड होके निकल रहे हैं हम। भैया जी गाड़ी बहुत अच्छे चला रहे हैं और मैं शूटिंग करते जा रहा हूँ। बीच में भेड़ बकरियों का सामना करना पड़ा। भैया जी सीधे सीधे गाड़ी निकालते गए और हम सीधा रामतला की तरफ पहुँच गए। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे बिसलपुर धाम और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है। भैया जी ने गाड़ी ले ली है, बनास नदी के इधर आ गए हैं हम। नदी होते होते घूम रहे हैं और बढ़िया सी शूटिंग चल रही है। पुलिया के ऊपर आके लग रहा है धूप भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। लोग वहाँ फोटो खिंचवाते जा रहे हैं और वाह टाइमिंग लंच का दिखता है, इसलिए बच्चे झूला झूल रहे हैं। चलिए तो चलते हैं, अब बिसलपुर के नज़दीक आ चुके हैं हम और पहाड़ियों का अंदाज़ा हो चुका है। और बिसलपुर धाम में भी ले आ गया भैया। भैया जी को गाड़ी पार्क करनी है तो ब्रेजा के नीचे पार्क करिए, मुझे बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो सीधा मंदिर की ओर चलते हैं। काफ़ी लोग बाइक लेके आ रहे हैं, क्या पता बाइक कैसे जा रही है, हमें पता नहीं, हम भी लेके चल जाते हैं बाइक को। ये मंदिर का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है पहाड़ों में। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने फोटोग्राफर खड़ा है और तुम फोटो खींच रहे हो खुद की। चलो मंदिर में चलते हैं। अरे भाई तू हट जा थोड़ा अम्बासु, अरे हट यार। अरे भीड़ तो काफ़ी ठीक है, शिवरात्रि के दिन की भीड़ है। और ये भाई हवन है, यहाँ पे रावण जी डकुत नानी क्या डालते थे और उसे शिव जी प्रसन्न हो जाते थे। चलो मंदिर में चलते हैं, मंदिर में भीड़ काफ़ी अच्छी है तो हमारा नंबर आ जाएगा टाइम से। ये भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है साइड में। ये मंदिर में आ चुके हैं, मंदिर में शिव जी के ऊपर चढ़ रहा है पानी, जल दूध सबकी धारा हो रही है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। चलो चलो ठीक है, चलते जाते हैं। और इसी के साथ हम सीधे मंदिर के ग्राउंड में आ गए हैं। यहाँ देखा गया है खिड़की खोल के तो कि बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो फटाफट से हम नीचे की तरफ जाते हैं। अरे भैया पब्लिक बहुत ज़्यादा है, लोग बाग हवन में पता नहीं क्यों डाल रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। चलो नीचे चलते हैं, मेज़बार की तरफ घूम के आते, गार्डन वगैरह कैसा देख के आते हैं। अरे यार क्या बात है, गार्डन बहुत ही अच्छा है, नज़दीक खतरनाक लुक है और वाह क्या नज़ारा है यार। ओ भाई तुम बाइक लेके कहाँ जा रहे हो इतनी तेज। अरे ये तो नक्शा है, ये नक्शा किस चीज़ का, राजस्थान का नक्शा आ रहा है। चलो आशुभिया लेके चलो मेरा बुरा। हाँ बिल्कुल आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, चलते जाओ चलते जाओ। आशुभिया थोड़ा धीरे चलो यार हमारे। अरे बस बस धीरे धीरे, अरे इतना तेज क्यों चल रहे हो। अरे भैया जी क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, अरे रील बना रहे हो आप तो मैडम जी की। अरे यार वायरल कर गए मानोगे क्या, अरे क्या लुक आ रहा है देखो ऊपर से कितना अच्छा सीन आ रहा है बिसलपुर धाम का। अरे क्या गार्डन है, लोग घूम भी रहे हैं। अरे बंदर भैया क्या कर रहे हो, अरे इसको कुछ खिला के आना पड़ेगा यार। चल मैं जाता हूँ कुछ खिला के आता हूँ इसको, देखते हुए कुछ खाता है क्या। अरे भाई खा ले, अरे तेरे लिए लेके आया हूँ, नहीं खा रहा वजह। चलो ऊपर चल के आता, अरे बिसलपुर के इधर आ गए, ऊपर क्या पानी आ रहा नज़ारा भी। ये भी रील बना रहे भैया जी, अरे यार अरे क्या सीन आ रहा है देखो पीछे कितना गजब है। मैं कुछ प्रसाद खा लेता हूँ फटाफट यार। आशुभिया मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा देख लो यार, देखो देखो क्या नहीं सीन है यार। यहाँ मकान बन गया, मकान बना रहे सही रहेगा, इतना गजब लुक आ रहा है यार। ये देखिए हमारे आशुभिया को देखिए, इनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखो। चलो चलो चलते, ये हमारा सीन है। राशु भैया आ कह रहे मेरी फोटो वोटो खींच ले यार थोड़ी सी अच्छी से, ठीक है चलते हैं। राशु ये भैया फिर आगे रिकॉर्डिंग करने, अरे रील कितनी बनाओगे भैया, आज ही बनाओगे क्या सारी रील। कितना गजब का सीन आ रहा है भाई लोग, कितना गजब। अरे भाई तेरी फोटो खींचेंगे, चलो चलते हम फटाफट से, हमें पुल क्रॉस करना पड़ेगा सबसे पहले। अरे भाई मछलियाँ देख ली हमने, चल भाई आंसू गाड़ी चला यार। अरे कितना देख लो, मतलब क्रॉस आगे से करना पड़ रहा है, बिल्कुल आगे से। कहा जाता है कुंड और यहाँ लोग सब्जी बो रहे हैं यार, जब पानी ज़्यादा आता है तो यहाँ सब्जी वब्जी सबके खेत डूब जाते हैं और सब अपने अपने घर चल जाते हैं। अरे भैया नहा रहे हैं सब लोग यार यहाँ पे। ओ ओ भाई पानी बहुत ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है चलते हैं। ओ मैडम आंसू को देख रही है यार, ये मैडम क्यों आंसू को देख रही है, क्या बात है आंसू पसंद आ गया दिखता है ड्राइविंग करते हुए। ओहो क्या पहाड़ी है यार, क्या नज़ारा है यार हाय। चलो तो चलो आंसू भैया गाड़ी चलाओ फटाफट से। अरे गुफा, ये गुफा तो वही है रावण वाली, क्यों यहाँ रावण सीता को लेके गया था। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ओहो क्या प्रोग्राम चल रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है मारवाड़ी एकदम। अरे भैया जी क्या देख रहे हैं हमें,
आजू भैया जी चाय वाय पी रहे हो? अरे वाह क्या बात है, चाय पी रहे हो यार। अरे भैया जी रुको रुको रुको, क्या करा इस भैया जी ने? अरे चाय के छाटे लगा रहा है हमारे ऊपर, अरे क्या बात है। चलो 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 फटाफट चलो आसू भैया। अरे यहाँ क्यों रोक रहा है गाड़ी? ये रोक लिया कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं। ये हमारे पीछे पुल है, ये है इंटेक पंप हाउस है, पूरा मतलब राजस्थान में काफ़ी जगह जाता है। ये प्राचीन मंदिर है राजस्थान का प्राचीन। हाय हाय बंदर बाबू, तेरे को कुछ खिलाता हूँ चल। अरे भाई तू कहाँ मेरी गाड़ी पे लेके जा रहा है? अरे यार प्रसाद ले गया, ले जा ले जा ले जा। आंसू भैया इसको कह रहे मेरे को वापस दे दे। अरे नहीं आंसू भैया तो कुछ खिलाने गए बिटाल का। आजा आजा इधर आजा, देखा देखा ये। अरे सूंघ क्यों रहा है? खा भी गया, उठा लेना हाथ में भाग्य साले। अरे आंसू भैया चलो नीचे चलते। ये मैं आ गया है, मैं देख रहा हूँ एक दो व्हील रील में भी बना लूँ यार, अच्छी लग रही है। पानी वगैरह बहुत अच्छा सीन आ रहा है, फोटो वोटो खींचते फिर सीधा चलते हम टोडा राइसिंग, और टोडा राइसिंग में जाएंगे वहाँ की हम बावड़ी देखेंगे। चलो तो हम निकलते हैं टोडा राइसिंग की तरफ, जहाँ पर जाके हमें बावड़ी देखनी है टोडा की, जो बावड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी शूटिंग होती है, फोटो शूटिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो चल भाई आंसू फटाफट लेके चल। कर चुके हैं टोडा का मार्केट, बहुत ही अच्छा है, शांत स्वभाव का है, लोग बाग के अपने अपने मस्त काम में लगे हुए हैं। टाइम दिन का है और हमें रास्ता नहीं पता, तो हम पूछ के आते हैं पहले रास्ता। तो चलो हम गेट पे पहुंच चुके हैं, मेन गेट से हम अंदर घुसते हैं फटाफट से। आ जाओ भैया सुन, अरे क्या मस्त गार्डन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो, घूमने फिरने के लिए तो बहुत अच्छी जगह लग रही है। और सामने ही टोडा बावड़ी रही है, चलो बॉडी के वहाँ पे चलते हैं फटाफट से, ऊपर चढ़ते हैं सीन देखते हैं। आ जाए सुबह पीछे पीछे, ये बहुत ही अच्छा सीढ़िया बहुत मस्त लग रही है, काफ़ी टाइम पुरानी है, बहुत अच्छी बॉडी चल रही है। और आगे चलते हैं, अरे यहाँ तो फोटो शूटिंग चल रही है भैया जी, ये भाभी जी, चलो फोटो शूट करने दो उन्हें, हमारे फोटो उठाते हैं फटाफट से। यही सीन है अच्छा खासा, ठीक है बहुत ही अच्छी घूमने लगी जगह है। मैंने बॉडी इतनी कवर नहीं करी है इस वाली वीडियो में, अगली बार वापस आएंगे तो बनाएंगे। बाकी बाहर नोटिस लगवाए इन चैनों को भी टच नहीं करना है, चेतावनी है, अंदर तो जाना है, मिली नहीं है, पता नहीं कैसे भैया बाबू जी जा रहे हैं, उनको ज़्यादा ही शौक दिखता है। चलो जी ऊपर चलो ऊपर चलो, अरे क्या बात है, अरे वाह वाह भाभी जी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आगे भाभी जी, बाद में पीछे पीछे भैया जी, क्या बात है। चल भाई अरे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अभी यार, चलो 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 फटाफट शूट करें, हमें भी घर की तरफ निकलना है। ये सीन है बहुत अच्छा सीन लग रहा है, बावड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है, प्राचीन टाइम की बावड़ी है, पता नहीं कैसे लोग बना लेते थे बिना तैयार के औजारों के। तो चले चलो ठीक है चलते हैं। जाते जाते बताते जाना कैसा लगा हमारा फर्स्ट ब्लॉग, थोड़ा सा अजीब लगा होगा, थोड़ी वॉइस वगैरह ठीक नहीं लगी होगी, बाकी सब अच्छा है। थैंक यू सो मच, लव यू, हमारा ब्लॉग पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय टाटा, अगला ब्लॉग।